श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 24 अक्टूबर से दीपावली के महापर्व के अवसर पर 3 दिवसीय शिव चर्चा सीहोर कोबेरेश्वर धाम से शुरू हो गई है। यह 3 दिवसीय शिव चर्चा है जो कि 24, 25, 26 अक्टूबर को आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 24 और 25 अक्टूबर को आपको यह सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलेगी। वहीं 26 अक्टूबर को आप यह 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब में देख पाएंगे। आज का वीडियो बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में आप धनतेरस की पूरी पूजन विधि देखेंगे जो आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है, जिसे हम आपको इसी वीडियो में करके भी बताएंगे, जिसे करने से आपको वर्ष भर धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही गुरुजी ने दीपावली के पर्व में मतलब 5 दिनों में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जो कि काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है। और गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से कभी भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपाय काफ़ी सरल आसान है, पर कैसे करना है उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज 24 अक्टूबर पहले दिन की दिवाली शिव चर्चा जो कि सीहोर कोबेरेश्वर धाम में शुरू हुई है, उसमें गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा मतलब शिव चर्चा नहीं सुन पाई है तो इस छोटे से वीडियो से आपको इस शिव चर्चा की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। बढ़ते हैं आज की शिव चर्चा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कार्तिक का महीना है जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं, जिसमें भोलेनाथ का यह 3 दिवसीय शिव चर्चा आपको सीहोर कोबेरेश्वर धाम से देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, उसका लाभ सभी को मिल रहा है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दीपावली का महापर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, यह तो हो गई मनुष्य की दीपावली, जिसे हम कृष्ण पक्ष में हमारी दीपावली के रूप में मनाते हैं। वैसे ही देवताओं के लिए भी दीपावली होती है जिसे हम देव दीपावली कहते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजन कहा हमने पहले भी आपको कहा है शिव पंचायत की पूजन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसका बहुत अधिक महत्व होता है। शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: भोलेनाथ, माता जगदम्बा भवानी, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु और गणेश भगवान। बढ़ते हैं आज की तक की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रकार की एकादशी होती है, एक होती है वैष्णव एकादशी और एक होती है सामर्थ एकादशी। वैष्णव एकादशी में सिर्फ भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है, सामर्थ एकादशी में सभी भगवान का स्मरण किया जाता है, सभी प्रकार के भगवानों का पूजन किया जाता है, जैसे भगवान शंकर, माता पार्वती, सूर्य भगवान, गणेश भगवान और विष्णु भगवान। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक भिखारी से लेकर 1 करोड़पति सभी लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी सभी को प्रिय होती है, पर क्या हमने माता लक्ष्मी से कभी पूछा कि माता लक्ष्मी को क्या प्रिय है? ऐसा ही प्रश्न भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम किसके घर में जाती हो, किस पर कृपा करती हो? तो माता लक्ष्मी ने कहा वो हैं देवाधिदेव महादेव, उन्होंने मुझसे कहा है जो मेरे मंदिर में आकर 1 लोटा जल अर्पित करता है, लक्ष्मी तुम उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पहले के समय में मंत्र चलते थे, बीच में एक समय आया जिसमें तंत्र चलते थे, फिर एक और समय आया जिसमें यंत्र चलते थे, अब वो समय आ गया है कलयुग में जिसमें षड्यंत्र चलते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आपको एक बात याद रखना है, मंत्र, तंत्र, यंत्र, षड्यंत्र में भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कार्तिक के महीने में जो कि अभी चल रहा है, पीपल, आंवला और बेलपत्र के पेड़ में आपको एक एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, एक एक दीपक का दान करना चाहिए, साथ ही आपसे बन सके तो 1 लोटा जल भी इन वृक्षों के नीचे अवश्य अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर भी आपको 1 लोटा जल कार्तिक के माह में अर्पित करना है, तुलसी माता का पूजन अर्चन करना है। ऐसा करने वाले की हर मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं आज की तक की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा धनतेरस की पूजन, रूप चौदस की पूजन, पड़वा की पूजन में आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप शाम के समय मतलब प्रदोष काल में पूजन अर्चन कर सकते हैं। जिन्हें प्रदोष काल नहीं पता कब होता है तो हम आपको बता दें, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। गुरुजी ने कहा है आप दीपावली का पूजन का मुहूर्त देखिए, मना नहीं है, पर आप धनतेरस, रूप चौदस, पड़वा के पूजन का मुहूर्त मत देखिए, आप शाम के समय प्रदोष काल में पूजन कर सकते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज गुरु जी ने धनतेरस की पूजन आपको किस प्रकार से करना है उसकी संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप यह पूजन इस धनतेरस में करते हैं तो वर्ष भर आपको अपने जीवन में धन संबंधित परेशानी नहीं देखने को मिलती है। अब आप पूजन की विधि भी सुनते जाइए और आप वीडियो में भी देखते जाइए। अगर आपका मार्बल का घर है तो आपको पूजन की जगह को कपड़े से पोंछ लेना है। मार्बल का नहीं है तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं। एक चौक पूर दीजिए, उसमें आप एक चावल का दाना या फिर गेहूं का दाना रख दीजिए। एक चौकी भी आप उसके ऊपर रख दीजिए। उस चौकी में आप वस्त्र बिछाकर एक थाली रख दीजिए। उस थाली में आपको रोली या कुमकुम का उपयोग करते हुए स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद चांदी का सिक्का हो तो आप उसे माता लक्ष्मी के रूप में पूजन के लिए रख सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो एक का, दो का, पाँच का, दस का, जो भी सिक्का है आप उसे पूजन के लिए रख सकते हैं। इसके बाद आपको मौली को उस सिक्के में लपेट लेना है। मौली में आपको हल्दी लगाना है, उसके बाद ही आपको उसे उस सिक्के में लपेटना है। बाबा को उस थाली में रखना है। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दीपक आपको आटे के तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको एक तेल का दीपक भी तैयार कर लेना है। तेल का दीपक आपको माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड में रखना है। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको सामने से अपने सीधे हाथ की ओर, क्योंकि वह माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सभी दीपकों में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। सभी दीपकों को प्रज्वलित कर लीजिए। रोली, कुमकुम, अमरबेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प और जो भी सामग्री आप पूजन में शामिल करना चाहते हैं उसे आप शामिल कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, रोली, कुमकुम, अमरबेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प और जो आप पूजन में सामग्री शामिल करना चाहते हैं वह शामिल कर सकते हैं। पूजन की थाली में आपको जल से छिड़काव करना है, वस्त्र समर्पित करना है। इसके बाद 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गठान और 7 कमलगट्टे, इन्हें आपको अपने हाथ में ले लेना है। सभी चीज़ों को अपने हाथ में लेने के बाद आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, कुबेरेश्वर महादेव से विनती करना है, शिव की आराधना करते हुए, नारायण की आराधना करते हुए, दामोदर भगवान की आराधना करते हुए, माँ लक्ष्मी की आराधना करके दोनों हाथों से आपको समर्पित कर देना है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी को समर्पित करने से आशय वह है, सामने जो सिक्के रखे हैं उनके सामने आपको समर्पित करना है। दीपक भी हम जो कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी का लेफ्ट हैंड, मतलब सिक्कों का लेफ्ट हैंड, क्योंकि माता लक्ष्मी को ही हम सिक्कों के रूप में पूजन अर्चन कर रहे हैं। कुमकुम या रोली भी आपको इनके ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। हल्दी को भी आपको उन सिक्कों के ऊपर धीरे धीरे अर्पित करना है। इसके बाद भोग लगा दीजिए, प्रसाद सामने रख दीजिए। इसके बाद 7 दीपक जो आपने आटे के बनाए हैं उससे माता लक्ष्मी की आराधना करना है, आरती करना है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए आपको माता लक्ष्मी का आरती करना है। आरती करने के बाद आरती को सामने रख देना है। उस आरती को आपको लेना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है, हे माँ, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है कि आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, गणेश भगवान के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आइए और अपना निवास बनाइए। हम में बहुत अवगुण हैं, पर मैंने सुना है आपसे शंकर भगवान ने कहा है कि आपको शिव के साक्षी अगर किसी घर में प्रवेश करेंगी तो आप उसके अवगुण नहीं देखेंगी। माता लक्ष्मी हम पर कृपा करें। इस प्रकार से निवेदन करके अपनी पूजन को पूर्ण कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10 विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने आगामी जो दीपावली का महापर्व है उसकी तिथियाँ बता दी हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 29 अक्टूबर को है धनतेरस, 30 अक्टूबर को है नरक चौदस, 31 अक्टूबर को है दीपावली, 1 नवंबर को है गोवर्धन पूजा और गुरु जी ने बताया है 2 नवंबर को है भाई दूज। भाई दूज की तिथि को लेकर मुझे थोड़ा असमंजस है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा हूँ तो उसमें 2 और 3 नवंबर को भाई दूज बताया गया है, कई जगह 3 नवंबर को भी आपको भाई दूज देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी हम आपको आने वाली वीडियो में अवश्य देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जिस स्थान पर आपने पहले दिन पूजन अर्चन की है बाकी के दिनों में भी आपको उसी स्थान पर पूजन अर्चन करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस दीपावली में आपको अपने घर के मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्टिकर अवश्य चिपकाना है, क्योंकि आपके घर में जब भी कोई प्रवेश करेगा वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र देखेगा, उसके मन में ही सही उस मंत्र का उच्चारण अवश्य होगा। और शिव महापुराण कथा कहती है, शिव महापुराण
कथा में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले का, उच्चारण करने वाले का अगर हम मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 31 अक्टूबर की रात्रि को सीहोर कोबरसर धाम में आकर आप रुक सकते हैं और अगले दिन दीपावली का खजाना लेकर जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है जिसे आपको इस दीपावली के विशेष पर्व में करना है। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक चावल का दाना जिसे आपको पीला रखना है, मतलब पीला करना है, आप अष्टगंध का उपयोग करते हुए पीला कर सकते हैं या फिर आप हल्दी का उपयोग करते हुए पीला कर सकते हैं, और एक कमलगट्टा। तीन चीज़ें हैं, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक कमलगट्टा। आपको दीपावली के ये जो 5 दिन हैं 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रोज़ भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप देव दीपावली या फिर इस दीपावली में 5 दिनों तक लगातार यह 3 चीज़ें भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कभी भी आपको किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यह शिव चर्चा 24 से 26 अक्टूबर तक सीहोर कोबरेश्वर धाम में चल रही है। इसके बाद अगली शिवपुराण कथा 4 से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्शन 66 फरीदाबाद हरियाणा में होगी, जिसका नाम स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा होगा। उसके बाद अगली शिवपुराण कथा 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड रूपपुर कृपा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होगी, और उसके बाद नवंबर माह की आखिरी शिवपुराण कथा 20 से 26 नवंबर तक काशी उत्तर प्रदेश में होगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।